सबसे खतरनाक जेट में पुतिन ने क्यों भरी उड़ान? क्या रूस करने जा रहा है परमाणु हथियारों का इस्तेमाल? जो जेट परमाणु हथियार ले जा सकता है, जो जेट भारी तबाही मचा सकता है, उसकी सवारी अब खुद पुतिन कर रहे हैं। और यकीन मानिए, ये जेट इतना खतरनाक है कि कुछ सेकंड में ही सब कुछ तबाह कर सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, आप देख रहे हैं शेष भारत। रूस का टुपलेव Tu-160M इस वक्त आसमान में उड़ता दिखाई दे रहा है और उसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नजर आ रहे हैं। पुतिन ने इस विमान की सवारी की है जो परमाणु हथियार ले जाने तक में सक्षम है। पुतिन ने मास्को से 720 किलोमीटर पूर्व में कजान में जेट का उत्पादन करने वाले विमान संयंत्र यानी विमान कंपनी से Tu-160M में 30 मिनट की उड़ान भरी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कजान एविएशन प्लांट की यात्रा के दौरान जिन टुपोलेव Tu-160M बम वर्षकों यानी बम बरसाने वाले विमान का निरीक्षण किया, वे 6000 किलोमीटर दूर के लक्ष्य पर मिसाइलें दाग सकता है। रूस के एसपी गोर्बुनोव कजान एविएशन प्लांट में 4 टुपोलेव Tu-160M बम वर्षक तैयार किए गए हैं। रूसी वायुसेना का विमान Tu-160M परमाणु और पारंपरिक दोनों तरह के हमले शुरू करते हुए किसी भी युद्ध की स्थिति को आसानी से बदल सकता है। और रूस का दावा है कि ये दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला सुपरसोनिक और सबसे भारी पेलोड ले जाने वाला बम वर्षक विमान है और इसकी खासियत इतनी है कि इसे जानकर हर कोई चौंक जाएगा। इसलिए अब आपको इसकी खासियत भी बता देते हैं। क्यों खास है Tu-160M और क्या है इसमें खास? दरअसल रूस का Tu-160M तकनीकी आधार पर विकसित किया गया है और डिजिटल भी है। Tu-160M में M2 अपग्रेड किया गया है, साथ ही K-04-2K1 नेविगेशन सिस्टम, ABSU-201 ऑटो पायलट और NK-3202 टर्बोफेन इंजन भी लगाया गया है। इसलिए इसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली लड़ाकू इंजन भी माना जाता है। ये 55,000 पाउंड यानी 24,947 किलोग्राम से अधिक का थ्रस्ट विकसित करता है। इसमें नया नोवेला NV-1.70 रडार जो सबसे आधुनिक है लगा हुआ है, साथ ही एक कंप्यूटरीकृत ग्लास कॉकपिट और एंटी जैमिंग इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स भी लगे हैं, जिसकी वजह से कोई भी इस विमान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने Tu-160M में उड़ान भरकर एक बार फिर से अमेरिका समेत पश्चिम देशों की नींद उड़ा दी है। रूस में चुनावी जीत से पहले ही पुतिन ने पश्चिम देशों को रूस की ताकत का एहसास करा दिया है। माना जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन की इस बम वर्षक विमान की सवारी का उद्देश्य अगले महीने होने वाले चुनाव से पहले अपनी छवि को दमदार दिखाना है। और जब से रूस के राष्ट्रपति की ये तस्वीर सामने आई है, तब से बॉम्बर जेट विमानों की चर्चा देश दुनिया में होने लगी है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा 3 देशों के बॉम्बर जेट को खास माना जाता है, खासकर अमेरिकी बॉम्बर B-2, रूसी Tu-160M और चीनी H-6A बॉम्बर। इसमें सबसे ज्यादा रूसी Tu-160M की चर्चा होती है क्योंकि ये सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। Tu-160M बॉम्बर की रेंज और क्षमता दोनों टैक्टिकल बॉम्बर से कहीं ज्यादा होती है, क्योंकि ऐसे बॉम्बर का पहली बार इस्तेमाल पहले विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के बेल्जियम के शहर लीस पर बमबारी के लिए किया गया था। 1914 में ही रूस ने पोलैंड के वारसा शहर पर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर से बमबारी की थी। जर्मनी और रूस के अलावा ब्रिटेन और फ्रांस ने भी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर का इस्तेमाल किया था। दूसरे विश्व युद्ध में स्ट्रेटेजिक बॉम्बर का इस्तेमाल किया गया था। इस युद्ध में जर्मनी ने पोलैंड, ब्रिटेन और सोवियत संघ के शहरों पर हमले के लिए बॉम्बर का इस्तेमाल किया था। वहीं ब्रिटेन ने भी जर्मनी के बर्लिन जैसे शहरों को निशाना बनाया था। ऐसे ही बॉम्बर का इस्तेमाल अमेरिका ने जापानी शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराने के लिए किया था। यानी सबसे ज्यादा घातक ये बॉम्बर माने जाते हैं और इसलिए दुनिया अमेरिकी बॉम्बर B-2, रूसी Tu-160M और चीनी H-6K बॉम्बर की डिमांड करती है, जिसमें सबसे ज्यादा डिमांड रूसी Tu-160M विमान की है, जिसमें पुतिन उड़ान भरकर
दुनिया को अपनी ताकत का अंदाजा करा रहे हैं। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए शेष भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।